आर के सिंह जी, माननीय मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय मंत्री इस्पात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री पराग सिंह पटेल जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही रीवा में परियोजना स्थल पर उपस्थित समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगणों, शासकीय अधिकारियों व परियोजना में सहभागी संस्थाओं के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन है। 750 मेगावाट क्षमता की रीवा सौर ऊर्जा परियोजना एक ही स्थान पर क्रियान्वित विश्व की बृहत्तम सौर परियोजनाओं में से एक है। यह हमारे सौभाग्य का विषय है कि आज इस परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से आप सभी महानुभावों की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। इस परियोजना की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय मंत्री विद्युत नवीन व नवकरणीय ऊर्जा श्री आर के सिंह जी के द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2017 को रीवा में रखी गई थी, जो आज मूर्त रूप ले रही है और भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस परियोजना ने सौर ऊर्जा में नवीन प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिसका अनुसरण कर अब अन्य प्रदेशों में सौर परियोजनाओं के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परियोजना क्रियान्वयन के इस अनुभव ने हमें यह विश्वास दिया है कि आप बृहद और अत्यंत बृहद परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं, उन्हें साकार कर सकते हैं, उन्हें मूर्त रूप दे सकने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा रहती है कि समय पर परियोजनाओं का न केवल श्री गणेश हो बल्कि उनकी पूर्णता भी सुनिश्चित की जाए, और यह परियोजना इसी बात का प्रमाण भी है। हम गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिखाए गए पथ पर निरंतर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनकी जिज्ञासा और कर्मठता नित नई उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए हम सबको प्रेरित करती रहती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परियोजना व मध्य प्रदेश की नवीन व नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों व अग्रिम कार्य योजना के संबंध में अपना सारगर्भित उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय राज्यपाल जी, ऊर्जा मंत्री आदरणीय आर के सिंह जी, सम्मानी थावरचंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद पटेल जी, सांसद द्वय जो परियोजना स्थल पर उपस्थित हैं, आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, राजमणि पटेल जी, स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह गूढ़ जी, जिनका इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, देवराज सिंह जी, के पी त्रिपाठी जी, श्यामलाल द्विवेदी जी, प्रदीप पटेल जी, गिरीश गौतम जी, पंचूलाल प्रजापति जी, और इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से। वे कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, मैन ऑफ आइडियाज हैं, और मुझे कहते प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ा है उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय भी उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी 2007-08 की बात है, और आपने कहा था कि इस क्षेत्र में हमको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मन में एक संकोच था, तब सौर ऊर्जा की दरें 15-16 रुपया प्रति यूनिट हुआ करती थी और थर्मल की जो दरें होती थी वो 3-4 रुपया के आसपास होती थी, लेकिन तब भी आपने गुजरात में इस दिशा में तेजी से काम किया था। आपकी प्रेरणा प्राप्त करके 2010 में हमने रिन्यूअल एनर्जी का नया डिपार्टमेंट बनाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहली परियोजना जो एशिया की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना थी वो थी नीमच, उसका उद्घाटन भी आपके कर कमलों के द्वारा जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब मध्य प्रदेश के नीमच में आपने किया था, और तब से फिर हमने लगातार निरंतर प्रयास किया इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़े। और मुझे खुशी है
यहां राजन शुक्ला जी, नागेंद्र सिंह गौड़ जी बैठे हैं। हम लोगों ने चर्चा की, हमारे पास रीवा जिले में काफी बड़ा हिस्सा बंजर भूमि का फायरिंग रेंज के रूप में जिसका इस्तेमाल होता था पड़ा था। तब मन में यह विचार आया कि यहां सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाता है, किया जा सकता है। इस विचार को हमने आगे बढ़ाया और मुझे कहते हुए खुशी है कि 2017 में हमने इसका काम प्रारंभ किया। माननीय आर के सिंह जी यहां बैठे हैं, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार, वो कृपा पूर्वक वहां आए थे कार्यक्रम स्थल पर। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो निविदाओं में नवाचार किए उसके कारण तत्कालीन समय का, मैं आज की बात नहीं कर रहा, तत्कालीन समय का न्यूनतम टैरिफ 2.97 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुआ, जबकि उस समय तत्कालीन परियोजनाओं के जो रेट आते थे वो 4.5 और 5 रुपए के आसपास आते थे, और वो भी बायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ, बिना बायबिलिटी गैप फंडिंग के सोलर परियोजनाओं को पूरा करने की कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये बिना BGF के हमारे 2.97 रुपये रेट आए। जो नवाचार के उसके कारण कम दरें प्राप्त हुई, जिससे देश में बिजली की दरों में भी भारी गिरावट आई। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस निविदा मॉडल को भारत सरकार द्वारा मान्य किया जाकर सभी राज्यों और केंद्रीय संस्थाओं को अनुसरण करने के लिए निर्देशित भी किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक जैसे संस्थान द्वारा भी परियोजना को नवाचारों के लिए मान्यता दी गई। और इसी का परिणाम कि रीवा सौर परियोजना ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचे हैं, जिससे इसे गेम चेंजर परियोजना के रूप में मान्य किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस परियोजना की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो मैं देश को बताना चाहता हूं। एक तो रीवा सौर परियोजना प्रथम सौर परियोजना है जिससे प्राप्त विद्युत तापी ऊर्जा से प्राप्त विद्युत से सस्ती है। इस परियोजना से प्रथम बार ओपन एक्सेस के माध्यम से राज्य के बाहर किसी व्यवसायिक संस्थान दिल्ली मेट्रो को बिजली प्रदान की जा रही है। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को जा रही है, बाकी का लाभ मध्य प्रदेश उठा रहा है। आंतरिक ग्रिड समायोजन हेतु वर्ल्ड बैंक और CTF ऋण प्राप्त करने वाली ये देश की प्रथम परियोजना है, जिसे विश्व बैंक का ऋण बिना राज्य शासन की गारंटी के मिला है। और इस ऋण में क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत ये ऋण स्वीकृत किया गया है, जो 0.25% की निश्चित दर पर प्राप्त हुआ है। परियोजना से सालाना, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव चिंतित रहते हैं, कैसे पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाया रखा जा सके, परियोजना से सालाना 15.7 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2.60 करोड़ पेड़ों के वयस्क पेड़ों के लगाने के बराबर है। परियोजना को ट्रांजैक्शन संरचना के लिए वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति लागू की गई है, जिससे इतनी कम दरें आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने लक्ष्य तय किया है 2022 तक 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा भारत में उत्पादित करनी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी प्रेरणा से ही मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 1500 मेगावाट की 3 परियोजनाएं और चिन्हित की है, आगर, साजापुर, नीमच सौर पार्क परियोजना। इन तीनों परियोजना के लिए भी हमारे टेंडर जारी कर दिए गए हैं, और इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का संयोजन नेशनल ग्रिड के माध्यम से होगा, जिससे सस्ती बिजली प्रदेश के अलावा भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों को मिल सकेगी। इस परियोजना को भी हमारी कोशिश है कि 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। परियोजना से सालाना 33 लाख टन के बराबर कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा सकेगा, जो 5.5 करोड़ व्यस्क पेड़ लगाने के बराबर होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको ध्यान होगा, एक बार आपने मुझे ये बताया था
कि सरदार सरोवर परियोजना की जो नहरें हैं उन नहरों में जो जल बहता है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के हम सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं और पानी के बाष्पीकरण को रोक के हम पानी को उड़ने से बचा सकते हैं। वहीं से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमने मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया के ऊपर जो ओंकारेश्वर हमारा बांध बना है उस ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना को निष्पादित करने की योजना बनाई है। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। प्रारंभिक सर्वे हमारा पूरा हो गया है और हम तेजी से इस परियोजना पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। हमने इसके अतिरिक्त छतरपुर में 1500 मेगावाट, मुरैना में 1400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं पर भी तेजी से काम प्रारंभ किया है और ये परियोजनाएं हम 2022 तक जो 1,00,000 मेगावाट विद्युत के उत्पादन का लक्ष्य है तब तक हम पूरा करेंगे। और ये परियोजनाएं पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश का योगदान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 10,000 मेगावाट होगा। इसके अतिरिक्त 2,000 मेगावाट हम विंड एनर्जी भी उत्पादित करने के लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। हम सौर पंप सौर लाभ ट्यूब परियोजनाओं पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। 14,250 किसानों के लिए सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं और हमारी जो सौर रूफटॉप परियोजना है उनके रेट भी हमें नवाचारों के कारण 1.38 रुपया प्रति यूनिट प्राप्त हुए हैं जो अभूतपूर्व है। मैं ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो दुनिया को क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है उससे बचाने का जो आपके प्रयास है उन प्रयासों को पूरा करने में मध्य प्रदेश पूरी तरह से सहभागी होगा। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य और संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करने के लिए भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प हमने लिया है। उसका रोड मैप भी तैयार है। वो रोड मैप भी तैयार करके मैं आपके पास भी भेजने वाला हूँ। कुछ चीजों पर हमने तेजी से काम प्रारंभ किया है। इस परियोजना के लोकार्पण के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। और कोरोना के संकट के समय गरीब कल्याण योजना बनाकर आप राज्यों के गरीबों देश के गरीब लेकिन राज्यों के माध्यम से जो सहयोग कर रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश के तो 24 जिले जो हमारे गरीब जिले थे उनको लगातार वहां रोजगार मिलता रहे उस गरीब कल्याण रोजगार योजना में आपने सम्मिलित किए उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और एक ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात भारत सरकार का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है वो चंबल एक्सप्रेस वे बनाने की परियोजना जिससे चंबल के बीहड़ों में इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित करने की हम केवल रोड नहीं बनाएंगे हम लोग प्रयास करेंगे वो चंबल ग्वालियर क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल देगा उसके लिए भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक बार मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने का कष्ट करेंगे। प्रधानमंत्री धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय। हम इस अवसर पर परियोजना के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो साझा कर रहे हैं। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम 2022 तक रिन्यूएबल से 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे जिसमें से 100 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा से होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की ऐसी प्रतिबद्धता देश ही नहीं दुनिया के लिए भी नया अनुभव है। प्रधानमंत्री जी के इस महत्वाकांक्षी मिशन में
महत्वपूर्ण योगदान दे रही है मध्य प्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। इस परियोजना का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह के कर कमलों से 22 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ था। 4,305 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट की है, जिसके कारण इसकी गणना एक ही जगह पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है। पारदर्शी प्रक्रियाओं और नवाचारों की मदद से देश में अत्यंत न्यून दरों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसका 24% हिस्सा दिल्ली मेट्रो को और शेष बिजली का लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। उत्पादन और उपयोगिता के साथ ही इस परियोजना में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। इस परियोजना के चालू हो जाने से यहां कार्बन डाइऑक्साइड के सालाना उत्सर्जन में 15.7 लाख टन की बचत होगी, जो 2.6 करोड़ विकसित पेड़ लगाने के बराबर है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त उपक्रम विकास का शानदार प्रयास साबित हुआ है। इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उस मिशन में भी योगदान दे रहा है, जिसका बीड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए उठाया है। अक्षय ऊर्जा बढ़ाएं, नया भारत बनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी आर के सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रहलाद सिंह पटेल जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसद, विधायकगण और रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बन के लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुंदर के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छत्तरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है,
ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां, पुनातु मां तत्सवितुर्य रेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्य देव हैं वो हमें पवित्र करें। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है, हर जगह पर हो रही है। सूर्य देव की इसी ऊर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। श्योर इसलिए क्योंकि ऊर्जा के, बिजली के दूसरे स्रोत खत्म हो सकते हैं, लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा। प्योर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के बजाय उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है। और जैसे श्योर है, प्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। इसमें सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के हैं। साथियों, जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो इकोनॉमी उसका एक अहम पक्ष होता है। पूरी दुनिया के नीति निर्माता बरसों से दुविधा में हैं कि इकोनॉमी की सोचे या एनवायरमेंट की सोचे। इसी उहापोह में फैसले कहीं एक पक्ष में लिए जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिए जाते हैं। लेकिन भारत ने यह दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि
एक दूसरे के सहयोगी हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, हर परिवार को एलपीजी और पीएनजी का साफ सुथरा ईंधन से जोड़ने का अभियान हो, पूरे देश में सीएनजी आधारित वाहन व्यवस्था, इसके लिए बड़ा नेटवर्क बनाने का काम हो, देश में बिजली आधारित परिवर्तन वहन के लिए नए नए रिसर्च होने वाले हैं, कुछ प्रयास होने वाले हैं, ऐसे अनेक प्रयास देश में सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। भारत के लिए इकोनॉमी और एनवायरमेंट दो अलग अलग पक्ष नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक पक्ष हैं। साथियों, आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें पर्यावरण सुरक्षा और ईज ऑफ लिविंग को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। साथियों, बीते 6 साल में लगभग 36 करोड़, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स पूरे देश में वितरित किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए हैं। और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तौर पर जब कोई सुविधा हमको मिलती है, हम उसके आदि हो जाते हैं, तो उसके इम्पैक्ट की या उसके होने या न होने की हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। साथियों, ये छोटा सा दुधिया एलईडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरूरत अनुभव होती थी, लेकिन उस समय कीमत पहुंच से बाहर थी, बिकता भी नहीं था, लोग खरीदते भी नहीं थे, बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे। तो 6 साल में क्या हुआ, कौन सा बदलाव आया? एलईडी बल्ब की कीमत उस समय जो थी उससे आज 10 गुना घट गई है। यानी अगर उस समय 400 रुपया थी तो आज 40 रुपया हो गई, अगर 300 थी तो 30 रुपया हो गई। अनेक कंपनियों के बल्ब, इसके बीच में मैन्युफैक्चरर्स में स्पर्धा हो गई, बल्ब बाजार में आ गए, दाम घटते गए, और जो काम पहले 100-200 वाट के बल्ब करते थे वो अब 9 या 10 वाट के बल्ब करने लगे हैं, उतना ही उजाला दे रहे हैं। घरों और गलियों में एलईडी लगाने भर से ही हर साल करीब 600 अरब यूनिट बिजली इसकी खपत कम हो रही है,
बिजली की बचत हो रही है और लोगों को रोशनी भी अच्छी मिल रही है। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बचत हमारे देश के खास करके मध्यम वर्ग के परिवार के जेब में बचते हैं। हर वर्ष 24,000 करोड़ रुपए, ये बचत छोटी नहीं है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में तो इसके कारण बहुत नई एक रोशनी पैदा हो जाती है, यानी एलईडी बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है, एलईडी बल्ब से करीब 4.5 करोड़ टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है, यानी प्रदूषण कम हो रहा है। साथियों, बिजली हर किसी तक पहुंचे, पर्याप्त बिजली पहुंचे, हमारा वातावरण, हमारी हवा, हमारा पानी भी शुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर हमारी नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है। आप सोचिए, साल 2014 में सोलर पावर की कीमत 7-8 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी, और जैसे शिवराज जी ने बताया, उसके पहले तो और ज्यादा थी। आज यही कीमत 2.25 से 2.5 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा लाभ उद्योगों को मिल रहा है, रोजगार निर्माण में मिल रहा है, देशवासियों को मिल रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है, और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। साथियों, एक प्रकार से सौर ऊर्जा ने आम ग्राहकों को उत्पादक भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामान्य नागरिक को दे दिया है। बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर रहती है।
लेकिन सौर ऊर्जा में तो चाहे घर की छत हो, दफ्तर या कारखाने की छत हो, कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें सामान्य जन की अपनी आवश्यकता की बिजली पैदा वो कर सकता है और इसके लिए सरकार व्यापक प्रोत्साहन भी दे रही है, मदद भी कर रही है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस अभियान में अब हमारा किसान, हमारा अन्नदाता भी जुड़ रहा है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकता है। साथियों, हमारा किसान आज इतना सक्षम है, इतना संसाधन संपन्न है कि आज वो एक नहीं दो दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है। एक प्लांट तो वो है जिनसे पारंपरिक खेती होती है और जो सदियों से करता आया है और हम सभी को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है, किसान हमें भूखा नहीं रहने देता है, उसके लिए वो पसीना बहाता है। लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए अवसर बना करके उसके खेत में दस्तक दे रहा है और जिससे खेत की आवश्यकता, घरों की आवश्यकता, वहां तक बिजली पहुंच भी सकती है। जो पहला प्लांट है, जो पारंपरिक खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाऊ होती है। लेकिन ये जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, ये ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो जमीन उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है, फसल के लिहाज से वो जमीन अच्छी नहीं है। यानी कि किसान की वो जमीन जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है और कोई गारंटी नहीं होती है, अगर बारिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है, उस जमीन का उपयोग भी होगा, उससे भी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। कुसुम योजना के माध्यम से आज किसानों को अतिरिक्त जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है। खेतों में ही जो सोलर बिजली पैदा होगी, इससे हमारे किसान अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर, ऊर्जा निर्यातक बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धि में बदल करके दिखाया है। आपने जो काम किया है वो हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण बना हुआ है। जिस प्रकार आपने गेहूं उत्पादन के मामले रिकॉर्ड बनाया, दूसरों को पीछे छोड़ दिया, वो प्रशंसनीय है। कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद की, उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर मुझे पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि एक दिन ये भी खबर आएगी कि कुसुम योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन की है, बिजली पैदा की है। भाइयों और बहनों, सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज,
उसकी कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। लक्ष्य ये है कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको भी तेजी से बढ़ाया जाए, और इसलिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे कुसुम योजना के तहत लगाए जा रहे पंपों में वो सोलर पंप बनाए जा रहे हैं, घरों में लगने वाले रूफटॉप पैनल में भारत में ही बने सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स और मॉड्यूल्स, इसको हमने जरूरी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलर सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े उद्यमियों से, युवा साथियों से, स्टार्टअप से, एमएसएमई से यही आग्रह है कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, इस अवसर का फायदा उठाइए। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भरता सही मायने में तभी संभव है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वास तभी आता है जब पूरा देश, पूरा सिस्टम, हर देशवासी, हम सब मिलकर के आत्मनिर्भरता की दिशा में चल पड़े। कोरोना संकट से पैदा हुई स्थितियों के बीच भारत यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्मविश्वास जगाने में जुटी है। समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारें पहुंच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेदना दोनों पहुंच रही है। अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ही लीजिए, लॉकडाउन के तुरंत बाद पहला कदम ये उठाया गया कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब साथियों तक मुफ्त खाना पहुंच सके, उनकी जेब में थोड़ा बहुत खर्चे के लिए व्यवस्था रहे। और जब लॉकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बरसात का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे यहां तो दिवाली और छठ पूजा तक अब तो त्योहार ही त्योहार चलते रहते हैं, और सभी संप्रदाय सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं। ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया। अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है। इसी तरह पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सूद भी ली गई है जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच पाई होती थी। आज इस योजना से रेहड़ी ठेला लगाने वाले लाखों साथियों को 10,000 रुपये तक के सस्ते ऋण बैंक से मिलने लगे हैं। हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी
हमारे ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके। हमारे यहां इन सारी चीजों को कभी प्राथमिकता नहीं रहती थी, लेकिन एक संवेदनशील सरकार होने के कारण, देश की भावी पीढ़ी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी एक तरफ छोटे लघु कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उपयोगी कारोबारियों की भी चिंता की गई। साथियों, सरकार हो या समाज, संवेदना और सतर्कता इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। आज जब आप मध्य प्रदेश को, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, निकलना पड़ रहा है, तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए, और वो है, और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं बताता हूं ये बाकी लोग भी बार बार बताते रहे, जहां भी है बताते रहे, दो गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धुलना, कहीं पर भी थूकना नहीं, ये सारे नियमों का हमें हमेशा पालन करना है। आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा, और आपके यार दोस्त साथी मित्र सहयोगी हर किसी की जिंदगी बचाने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और इसलिए इन नए नियमों में, इस अनुशासन में कहीं पर भी कमी मत आने देना। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, न सिर्फ आपके परिवार के लिए, देश के लिए भी मूल्यवान है, और इसलिए इन नियमों का हमें पालन करना ही है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपको, मध्य प्रदेश को इस सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और ये कहना चाहूंगा कि प्लांट भले रीवा में लगा हो, बिजली चलो दिल्ली के मेट्रो तक पहुंचती होगी, लेकिन इसके कारण पर्यावरण के पक्ष में जो काम हुआ है उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर होने वाला है, पूरे विश्व पर होने वाला है, और इसलिए आपने एक सुरक्षित विश्व के लिए मजबूत नींव आज रीवा में डाली है। ये काम छोटा मत समझता है। फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगा, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम आभारी हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के।